ने तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब की। हे व्हाट्सअप गाइस, हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो का मेन हिस्सा देखने के लिए आप वीडियो सीधा एक मिनट स्किप करके स्टार्ट करें और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहता है और भारत पाकिस्तान की सभी मांगों को मान चुका है। ऐसे दावा पाकिस्तान के NRI मिनिस्टर मोहित यूसुफ ने करण थापर को दिए गए उनके यूट्यूब चैनल पर किया था, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के दावों को खारिज किया और भारत ने साफ कर दिया, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को लेकर कुछ सख्त कदम नहीं उठाता है, भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ते बहाल करने वाला नहीं है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के कुछ पैनलिस्ट ने यह भी दावा कर दिया कि ये सब झूठी बातें थी, उन्हें पहले ही पता था भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं करना चाहेगा। और पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो में केवल कश्मीर 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 की बातें की हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। शामिल होगा भारत के जेरे तसल्लुत जम्मू कश्मीर समेत तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। सियासी कैदियों की रिहाई भी इस फहरिस्त का हिस्सा बनाई गई है। साथ ही साथ न सिर्फ नाकाबंदी खत्म की जाएगी बल्कि जो गैर इंसानी सूरत हाल दरपेश है वहां पर उसे भी खत्म किया जाएगा और नए डोमिसाइल का जो कानून इस वक्त वहां पर नाफिज कर दिया गया है उसे भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। इसमें हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस किस्म की शराइत पाकिस्तान की जानिब से भारत के सामने रख दी गई है मशरूत आमादगी के साथ, क्या इस मामले में कोई पेशरफ्त मुमकिन है अगर हम इस फहरिस्त को अपने सामने रखते हैं? नासिर चौकाई साहब बताएगा, कोई है पेशरफ्त मुमकिन आपको दिखाई देती कि कुछ आगे बढ़ सकेगा इसके बाद? देखिए जरिया, झेलम और नीलम से बहुत सा पानी बह चुका है और उस पानी से बेतहाशा लाशें आ चुकी हैं हमारी तरफ, और पता नहीं कितनी लाशें डल झील के आसपास हों और कितनी अकूबत खानों में हों और कितने लोग माजूर हो चुके हों, कितनी औरतें असबदरी का शिकार हुई हों, कितने बच्चे यतीम हो चुके हों, कितनी औरतें बेवाएँ हो गई हों, कितनी बस्तियाँ उजड़ गई हों। उसके बाद मुज़ाकरात की बात करना, मैं समझता हूँ कि भारत ने तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब की तरह है जिसमें पानी खड़ा हुआ है। अब उस पानी में कीचड़ हो या कमल खिले वो उनकी मर्जी की बात है। अभी वो कोरोना से निमट रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। दूसरी बात, अच्छी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि फिलर्स आए थे हमारे पास, इन्होंने दावतनामे की बात नहीं की, कब फिलर्स आए थे हमारे पास, तो फिलर्स किसने भेजे आपको? मेरी आखिरी इत्तला है कि 26 अक्टूबर 2018 में USA और UNO ने कहा था कि भाई बातचीत करो, उसके बाद भी बात हुई कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत भी बात नहीं हुई। आखिरी रब्ता सुषमा स्वराज का नवाज शरीफ से हुआ जब वो बतौर वजीर खारजा आई और कंपोजिट डायलॉग का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करके वापस गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने, 5 अगस्त हुआ, सकूत कश्मीर हुआ। मैंने बहुत पहले कहा था सकूत कश्मीर है तो सकूत कश्मीर हुआ। अब सकूत कश्मीर के बाद आप सिविल लिबर्टीज़ की बात कर रहे हैं, आप तो मुआहदा शिमला भी तोड़ें, आप जो जितने और मुआहदे हैं साइड में वो भी तो ख़त्म करें और आप वापस जाएं UNO की करारदाद पे कि इस पर अब बात होगी, इससे कम पर बात नहीं होगी। क्योंकि इंडिया ने तो जो करना था कर दिया, आपके हाथ में अब सिर्फ वो करारदाद मौजूद है, वो अगर तस्लीम नहीं करता तो वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये उसका एक्सपोज होने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो अपने पर डटा हुआ है, वो जुल्म कर रहा है, वो दहशतगर्दी कर रहा है, वो बर्बरियत कर रहा है, वो रोज़ाना LOC पर फायरिंग कर रहा है, हमारे जवान और हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं और हमें इसका जवाब मेरा ख्याल है अब देना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि दावतनामा तो कोई असर नहीं आया, अमरीका ने कहा होगा भाई आप बात कर ले, मिलके बैठ जाए, सालिसी की पेशकश भी आई थी जो मुस्तरद कर दी थी मोदी ने हकारत के साथ कि ये कोई पेशकश नहीं है, 2 बार पेशकश की गई थी। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि भारत तैयार हो रहा है मुज़ाकरात के लिए। सही, आप ये कह रहे हैं कि भारत की मुज़ाकरात के हवाले से इस किस्म की कोई बात आप 370 का खात्मा था, 35A का खात्मा था, NRC का मसला था, बाबरी मस्जिद का बात थी सारी। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये सारी गेम जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान को, अल्लाह मेरी जुबान जल्दी बात करते हुए तकलीफ बड़ी होती बात कहते हुए कि
71 पाकिस्तान को दोलख किया गया। ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भारत ने यहां रुकना नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अभी भी आपके प्रोग्राम में ये बात करना चाहता हूं कि श्रीनगर में जो बच्चा लड़ रहा है, जो मेरी माँ बहन बच्चियां अपनी इज्जतें कुर्बान कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो जंग हमने श्रीनगरी गलियों मेलों में हार दी, तो फिर आपको लाहौर कराची और पिशावर और इसमें लड़ाई लड़ने पड़ेगी, और वो लड़ाई वो होगी जो आप पे मुसलत कर दी गई है ऑलरेडी। जो इतलात आ रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसको बैकिंग मिली हुई है, इंडिया की बैकिंग, उस इंडिया को टोटली बैक कर रहा है बरतानिया, फ्रांस, अमरीका, मगरबी दुनिया सारे बैक कर रहे हैं, और ये सब कुछ 5 अगस्त को नहीं होना था अगर उसको बैकिंग ना होती इस चीज की। अब जो कुछ भी हो रहा है, ये गेम बड़ी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली मेरा हमारा जो मीडिया है वो इससे बाखबर नहीं है, अगर है तो उसकी ज्यादा तवज्जो नहीं है, क्योंकि हमें जो वक्ती चीजें जो शोर शोर मचा सके वो हमें ज्यादा पसंद है। और हमारे जो दूसरे मायदीन है, चाहे हमारे वजीर खारजा हों, उन्होंने कौम को इतमाद लेने की जरूरत महसूस नहीं की कि पाकिस्तान किस खतरात में घिरा हुआ है। ये जो कल की जो कॉन्फ्रेंस थी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की है उन्होंने, ये भारत को अगर हम इंटरनेशनली इसको ले जाके किसी ना किसी तरीके से भारत को दुनिया के सामने हम बेनकाब कर सकते हैं। तो जनरल साहब, मेरा पॉइंट पे भी आ जाएं, ये 5 पॉइंट्स फिर कहां स्टैंड कर रहे हैं, इनके बाद पेशरफ पॉसिबल है? देखिए, ये पॉइंट्स तो हैं, ये पॉइंट्स आज की बात तो नहीं है, बार बार पाकिस्तान यही बात करता रहा, कोई ऐसी उसमें नई चीज नहीं है पॉइंट्स की, उसमें से भारत ने मानना कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसको अपना टूट अंग ना सिर्फ टूट प्राइम मिनिस्टर बताया करें, आपके वजीर खारजा बताया करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया करें, दुनिया के किस किस मुल्क में आपके हक में प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मुझे तो आपके हक में कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काफी अरसे से अपने को खुश करने के लिए हम ये कह देते हैं जी फलाने रिसाले में ये छप गया और फलानी किताब में ये छप गया, रिसालों और किताबों में छपने से कोई प्रेशर बिल्ड नहीं होता। सर, यू आर मिसकोटिंग इट, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। मैंने हमारे पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा, इंडियन डेमोक्रेसी बदनाम हो रही है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन, I am not talking. Well, I am talking to you because you are commenting on me. The point of talking na Junaid sahab, aap jo comment kar sakte ho comment clear le lena. I don't want to talk. I am giving my opinion. I don't want to talk to you either. I'm not talking to you either. Sir, aap tell the lady. Ji sahab sir. Junaid sahab, cooperate kijiye please. Aap apna point de chuki, ab unka my name is Junaid. I'm not a lady. You may be Junaid, you may be a lady, whatever you are. I'm not interrupting you. आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैंने आपको सुन लिया। इफ्तिखार साहब प्लीज, नो प्लीज टेल योर गेस्ट हाउ टू टॉक टू अ लेडी। ये है कि अखबारों में छपने वाली चीजें या चंद प्लांटेड रिसालों में छपने वाली चीजें या चंद डाइजेस्टर में छपने वाली चीजों से मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं है। कश्मीरियों का खून बह रहा है, कश्मीरियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उनको जिंदा मारा जा रहा है, वहां पर लाशों को दफन किया जा रहा है, मुझे उससे इंटरेस्ट है। मुझे ये इंटरेस्ट नहीं कि मेरे किस साथी ने, किस दोस्त ने, किस एनजीओ के, किस रिसाले ने क्या लिखा है। मुझे ये देखना है कि दुनिया के जो ममालिक है उनके वजीर खारजा और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है यूनाइटेड नेशन को उसमें क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की कमेटियों में क्या कहते हैं, वो अपने पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, वो हमारे सफीरों के साथ मुलाकात में क्या कहते हैं। मुझे ये देखना है, मुझे ये नहीं देखना कि वो सतही तौर पे क्या बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो होता है समाप्त। आपसे रिक्वेस्ट रही, आप वीडियो यहाँ से छोड़कर भी जा सकते हैं। अगर आपको छोड़कर नहीं जाना है तो आप मेरी कमेंट्री भी सुन सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तान से रिश्ते बहाल करने की कोशिश की है और प्रस्ताव रखा है, हालांकि ये दावा झूठा रहा। आपने पाकिस्तानी मीडिया के कुछ पैनलिस्ट को भी सुना कि ये दावा झूठा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, जो इमरान खान की पार्टी के मंत्री हैं, वो अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं कि उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है कश्मीर पर। पाकिस्तान के मंत्री ऐसा कुछ बोलते रहते हैं कि भारत को हमने इकोनॉमिकली सारी दुनिया में आइसोलेट कर दिया है, भारत को चाइना और पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह से आइसोलेट कर दिया है। ऐसा कुछ पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के जो पीटीआई के इमरान खान की पार्टी के मिनिस्टर हैं, वो ऐसे दावे करते रहते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इस तरीके की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और आपको क्या लगता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि भारत को पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए या नहीं सुधारने चाहिए। लेकिन आपको पता है मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच क्या है? पाकिस्तान की तरफ से तो
कश्मीर है और भारत की तरफ से भारत को पीओके लेना है और भारत इस बारे में पाकिस्तान से ही बात करेगा कि बात होगी तो पीओके पर ही होगी और किसी पर बात नहीं होगी। और पाकिस्तान को एक और चीज़ करनी पड़ेगी, भारत के खिलाफ जो टेररिज्म है वो बंद करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की तरफ से आप जा सकते हैं और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।